दोस्तों, जिन फल और सब्जियों को हम सेहत के लिए बेहद ही अच्छा समझते हैं, देखिए क्या है उनका हाल। हरे मटर अब खेतों में नहीं बल्कि यहाँ ऐसे बनते हैं। ऐसे किया जाता है इनको केमिकल वाला हरा रंग। आज इस वीडियो में हम इन हरी सब्जियों की पोल भी खोलेंगे और इस वीडियो के लास्ट में आपको इनसे बचने का एक सटीक उपाय भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और देखिए क्या है इन हरी सब्जियों का हाल। जिस लौकी और खीरे को हम उसका आकार और सेहत देखकर खरीदते हैं, देख लीजिए कैसे बनती है उनकी सेहत। तो आप लोगों को ये नहीं पता है कि ये जो काम है ये ठीक नहीं है, सही नहीं है? मालूम तो है कि मजदूरी वर्क करना पड़ता है। तो कैसे आप ही लगाते हैं कि और भी गांव में सब लोग यूज कर रहे हैं? ज्यादातर लोग लगाते हैं गांव में। अच्छा। जिस परवर और हरी सब्जियों को हम सिर्फ उनका रंग देखकर और उनको ताज़ा देखकर खरीदते हैं, देख लो कैसे हरे और ताज़े होते हैं ये। चमकदार बैंगन हमें ताजे ताजे दिखाई देते हैं, मगर देख लीजिए ऐसे किए जाते हैं ये चमकदार और ताजे। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर ये तो साफ है कि मार्केट में मिलने वाली सब्जियां बिल्कुल भी उपयोग के लायक नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम अगर ये ना खाएं तो क्या खाएं? इसलिए आज इन पांच बातों का जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, जिससे आप इन सब्जियों के नुकसान से बच सकते हैं। दोस्तों, एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वे यह कि हमेशा सीजनल फल और सब्जियाँ ही खानी चाहिए, यानी जो उसी मौसम में पैदा होती हैं। तो चलिए बताते हैं वे उपाय जिनसे आप इन सब्जियों के खतरे से बच सकते हैं। नंबर एक, कभी भी पैकेट वाली सब्जियाँ ना खरीदें, जैसे कि हरे मटर या कोई और सब्जी, क्योंकि इनके प्रोसेस्ड या फिर नकली होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। नंबर दो, हमेशा सही आकार की सब्जी ही खरीदें। बड़े आकार की सब्जी या फलों के लालच में आकर उन्हें ना खरीदें। उनसे हमेशा ही परहेज करें, क्योंकि ऐसी सब्जियां ज्यादातर टीके लगाकर ही उगाई जाती हैं। नंबर तीन, फलों और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले उन्हें सिरके के पानी से जरूर धोएं। इससे केमिकल का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। नंबर चार, सब्जियों को कुछ देर तक रनिंग वाटर यानी चलते हुए पानी में जरूर धोएं। इससे भी केमिकल काफी हद तक निकल जाता है। दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप जरूर इन केमिकल के नुकसान से खुद को बचा सकेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करें। आप इसे अपने दोस्तों और मित्रों से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका पता लग सके। आगे भी नई वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।